तो भाई वेदर हो रहा है एकदम बढ़िया सी, धूप चमकते हुए सूरज दबता उधर। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस फाइनली आज जो है मैं जा रहा हूँ अपना जीजी को मेकओवर कराने के लिए। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा था उनको पता है कि मैं गया था काजपा बैंगलोर ये चेक करने के लिए कि उनके पास PPF हो जाएगा कि नहीं। तो उनके पास PPF तो था, बट जो मुझे एग्जैक्टली ज़रूरत था वो ब्लैक टिंट वाला वो नहीं था। तो आज मैं जा रहा हूँ मोटो ड्रिफ्ट बैंगलोर, कोशिश करूँगा कि अगर उनके पास ब्लैक वाला टिंट वर्जन मिल जाए PPF की, तो अगर है तो ज़रूर से कर लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर से कर देना और कर देना प्यारा से छोटा सा कमेंट कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो और लेट नहीं करते, फटाफट निकलते हैं। तो मैं लास्ट बार मतलब जो उसमें गया था ना कार्ड्सपा बैंगलोर वाले में, मतलब HSR लेआउट वाला, तो वहाँ पे ब्लैक वाला था नहीं। तो आई होप कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा शॉप जैसा पता है जहाँ पे ये लोग ये सब करते हैं, मतलब PPF स्टिकरिंग वगैरह। तो वहाँ पे जाके एक बार देखना पड़ेगा, अगर वहाँ पे ब्लैक वाला हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेट्स सी, जाके पता लगेगा। और बाकी मैंने आज ये भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अपना चैनल का जो स्टिकरिंग है ना वो भी करना है। कोशिश करेंगे अगर स्टिकरिंग का काम भी हो जाए तो। लेट्स सी। इधर ही कहीं था वो दुकान जहाँ पे सारा मतलब वहाँ पे होता है जितना भी कार बाइक्स का होता है अपना स्टिकरिंग वगैरह, छोटे मोटे PPF। सो यही है वो स्टोर, देखते हैं अब अगर यहाँ पे हो जाता है तो। भाई अपना बाइक पे जो है काम हो गया है चालू, अभी वॉशिंग चल रहा है, मतलब धीरे धीरे सारे जो भी कोई भी स्क्रैच वगैरह है या फिर कुछ स्टेन्स वगैरह है ना तो सब हटा दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे अपना PPF की काम भी शुरू हो जाएगी। गाइस यहाँ पे है मोटो ड्रिफ्ट का जो स्टोर है और यहाँ पे अपना चल रहा है बाइक का काम, तो दोनों अपोजिट में ही हैं। तो स्टोर में भी चलेंगे, देखना है कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जो है अपना फॉग लैम्प लगाना है, तो अगर वो हो जाए तो थोड़ी देर में चलते हैं स्टोर पे भी, देखते हैं जाके क्या क्या सामान मिल जाएगा वहाँ पे। जो सामान ले रहे थे वो है ये अपना मैड डॉग का स्काउट एक्स, जो है द फॉग लैम्प, और इसके साथ ही आता है ये अपना रनर्स प्रो जो कि कॉर्ड है इसका, और बाकी ये सारे सामान होते हैं। इसके स्विच के स्विच भी आते हैं अलग से, स्विच प्रो, ये भी लेना पड़ा था अलग से। अच्छा ओके, सो दिस इज द क्लैंप्स। बाइक के काम अपनी बढ़िया से चल रहा है और यहाँ पे देख सकते हो ये क्लैंप जो है वो लग चुका है, जो कि है अपना फॉग लाइट्स का। तो भाई अभी जो व्यू है ना रात का वो हो जाएगी बढ़िया एकदम से। और यहाँ पे जो रैप है उसका भी ऑलमोस्ट हो गया है, देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है ये हल्का सा टिंट पे ना, जो मैं एग्जैक्टली चाह रहा था। चलो अभी अपनी यूट्यूब का लोगो वगैरह भी लग जाएगा तो भाई ये बाइक जो है ना पूरा बदल जाएगा एकदम, देखते कैसा लगता है आगे आगे। टैंक अपना निकल चुका है, अभी सारा जो वायरिंग का काम है वो हो जाएगा। ये देख सकते हो अंदर का क्या हालात है भाई, गंदा हो रखा है पूरा। तो अपना लाइट मस्त फिट हो रहा है, बढ़िया लग रहा है यार।
भाई फाइनली जो है अपना फुल फिटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है अपना फॉग लैंप का, तो ऐसा आ रहा है कुछ सामने से लुक, बहुत बढ़िया लग रहा है। भाई ये लग रहा है अपना गाड़ी, क्या मस्त लुक लग रहा है भाई। अभी देख सकते हो क्या क्या काम कराया है, एक बार आप लोगों को दिखा दूं। तो ये जो PPF हुआ है ये थोड़ा ब्लैक में हुआ है, और इसका जो ये दो फॉग लैंप्स जो है वो लगा है मैड डॉग्स के, तो ऐसा कुछ आ रहा है सामने से लुक, बढ़िया लग रहा है। और दूसरा चीज़ जो हुआ है इसका वो है अपने लोगो जो कि यहाँ पर आ चुका है, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये आ रहा है कुछ पीछे से लुक यार सिंगल सीट के साथ, क्या बढ़िया लग रहा है पीछे से देखो। तो यहाँ पे हमने जो चैनल का लोगो है वो एक लगाया है, और यहाँ पे आ चुका है अपना चैनल का नाम जो है साइड से, और ऐसा कुछ आ रहा है अपनी लुक, क्या मस्त लग रहा है, और क्या मस्त लग रहा है। तो चलते हैं अभी, और लेट नहीं करते हैं, वहाँ से हेलमेट उठाते हैं और निकलते हैं घर के लिए। तो भाई जैसे हम लोग निकलने वाले थे बारिश आ गया था बहुत ज़बरदस्त, तो अभी फाइनली निकल रहे हैं, और एक घंटे से वेट कर रहे हैं, इतना तेज़ बारिश हुआ, निकल रहे हैं अभी। और आप लोगों को एक बार ना इस लाइट जो है, इस लाइट का भी एक बार थ्रो दिखा देता हूँ, ये देखो ये जलाने के बाद अपना जो फॉग लैंप है और ये बंद करने के बाद कितना डिफरेंस है ना। बाकी बारिश अभी भी हल्का हल्का सा हो रहा है, बस जल्दी से जल्दी पहुंच जाए घर, क्योंकि GoPro भी अंदर करना पड़ता है यार, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं नहीं चाहता अभी GoPro भी ख़राब हो जाए। तो भाई इस ब्लॉग में इतना ही था, और ये जो मोटो ड्रिफ्ट का जो स्टोर लोकेशन है ना, मैं वो लोकेशन भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो आपको अगर कुछ काम कराना है इसके बाइक के रिलेटेड तो आप ज़रूर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ़।